तो जैसा कि दोस्तों मेरे पास इसका बॉक्स भी रखा है, वी गार्ड का है। आप इसका रिव्यू नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो आइए फटाफट से इसको पैक करते हैं और पैक करके आपको दिखाते हैं कि कैसे इसे पैक करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे अंदर बॉक्स के अंदर हमारे पास इसके ये जो इसके कार्टून वगैरह होते हैं, जो भी ये थर्माकोल वगैरह होता है, सारे के सारे रखे हुए हैं और इसके अंदर। तो चलिए फटाफट से इसे पैक करते हैं। तो इसके लिए हमें ये थर्माकोल बॉक्स से बाहर निकालना होगा और मैं एक मिनट के लिए बॉक्स को साइड में रखता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, इसमें इसका कटआउट बना हुआ है। तो ये तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है, मैं झूठ मूठ का बता रहा हूँ आप लोग को। चलिए फिर भी ये देखिए इस तरह से ये इसमें चला जाएगा और सेम यही कंडीशन जो है दूसरी साइड से भी आपको देखने को मिलेगी। ये भी इस तरह से इसके अंदर चला जाएगा और फिर हम लेके आएंगे अपने बॉक्स को। और फिर दोस्तों हम बॉक्स में बहुत ही प्रॉपर तरीके से, तो देखिए हम बॉक्स को यहाँ रख देते हैं। थोड़ा सा जगह की कमी है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। आप लोग बुरा मत मानिएगा अगर आप लोग को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा होगा वीडियो, तो फिर भी सपोर्ट करते रहिएगा, आपकी सपोर्ट की भी जरूरत है। और इस तरह से हम इसे बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। और ये जो हमारे पास थर्माकोल के पीसेस पड़े हैं, ये इसके आगे और पीछे इस तरह से लगा देंगे हम। ये देखिए इस तरह से लग गए। तो अभी हम इस तरह से इसको लगा दिए हैं, अब इसे हम बंद करेंगे। सॉरी दोस्तों, इसका कॉर्ड जो है बाहर रहेगा, इससे कॉर्ड को भी हम अच्छे से वो करके और इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से हो जाएगा, इसे हम बंद करेंगे। और हमारे पास है ये बढ़िया वाला टेप, चौड़ा वाला, तो इससे हम फटाफट से इसे पैक कर देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे किया और इस तरह से इसे दोस्तों मैंने पैक भी कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, फाइनली जो है मेरा बॉक्स पैक हो चुका है। और अब ये रूम हीटर हमें अगले जाड़ों में भी इसी तरह से काम आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि हम इस टाइप की वीडियोज़ लेकर आपके लिए आते रहते हैं, इससे भी बेहतर बेहतर वीडियोज़। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ये गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्लोनिंग पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ वी गार्ड की तरफ से आने वाला रूम हीटर, जिसको हम बोलते हैं क्वार्ट्ज रूम हीटर। जी हाँ दोस्तों, 800 वाट का ये रूम हीटर है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। 1 ईयर की वारंटी मिलती है वी गार्ड की तरफ से। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कैसा है हमारा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। और सबसे पहले दोस्तों बॉक्स के ऊपर देखते हैं। तो बॉक्स के ऊपर जैसा कि आपको एक बड़ा सा बोल्ड पिक्चर दिख रहा है इसी वी गार्ड के रूम हीटर का, और यहाँ पे आपको लिखा है इलेक्ट्रिक रूम हीटर, क्वार्ट्ज रूम हीटर, और यहाँ पे रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस। 800 वाट इसका पावर कंजप्शन है, 1 ईयर की वारंटी है और ISI मार्का के साथ आता है, इसका मतलब पूरी तरह से बेहतरीन प्रोडक्ट है ये। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी साइड में क्या लिखा है। तो यहाँ पे आप गौर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक रूम हीटर 800 वाट 230 वाट AC 50 हर्ट्ज पे चलता है। एक क्वांटिटी इसके अंदर सितंबर 2018 का बना हुआ है, मुझे लगता है थोड़ा सा पुराना प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों। 1225 रुपये इस पे MRP रेटेड है, लेकिन ये मुझे पड़ा है कुछ कम दाम में, मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों, मेड इन इंडिया है। जैसा कि हम चाइनीज आइटम्स का जो है कि विरोध कर रहे हैं, तो यहाँ मेड इन इंडिया काफ़ी बेहतर जो है प्रोडक्ट बन के आता है। और यहाँ पे आपको इसका बारकोड वगैरह मिलेगा, आप स्कैन करके इस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी ऑनलाइन ले सकते हो। दूसरी साइड में अगर बात करें तो आपको यहाँ पे कुछ भी देखने को, जो चीज़ें पीछे देखने को मिलती है सेम वही चीज़ें हैं, तो इस पर क्या बताना है। और दूसरे साइड में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको एक इमेज मिल जाता है वी गार्ड का। नीचे की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे इसका सारा चीज़ बता रहा है कि काफ़ी अच्छा स्लिक डिज़ाइन है, इंस्टेंट हीटिंग देता है, ऑटोमेटिक ट्रिप पावर प्रोटेक्शन वगैरह दे रखा है, बाकी सारी चीज़ें दिखा हुआ है कि कितने देर में ठंडा होता है, कितने देर में गर्म होता है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए इन सब में देर नहीं करते हैं, फटाफट से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स को लिया ऊपर की तरफ से, यहाँ पे जैसा कि टेप लगा हुआ है बॉक्स, तो मैं इसे फटाफट से पकड़ दूंगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे अच्छे से यहाँ से मैं ब्रेक कर देता हूँ इसके सील को। एक्चुअली सील क्या है, टेप ही लगा हुआ है, मैंने दुकानदार ने मुझे खोल के दिखाया था इसे। और ये देखिए दोस्तों, फाइनली मैंने इसे ओपन कर दिया है। ओपन क्या कर दिया, इसे फाड़ी दिया है। तो चलिए ये देखिए, फर्स्ट कुछ लोग ऐसा दिखता है, यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको मिलता है, दोनों साइड में इसके थर्माकोल्स वगैरह लगे हुए हैं, यानी इसका प्रोटेक्ट काफ़ी अच्छे से बॉक्स जो है कि प्रोटेक्ट करके इस डिवाइस को भेजा गया है। तो ये थर्माकोल मैं साइड में रख देता हूँ, ये बहुत उड़ते हैं दोस्तों, घर वाले बड़े बोलते हैं इसके लिए। तो इसे मैं निकालता हूँ और बॉक्स को साइड में गिरा दूंगा। तो ये है दोस्तों, ये है इसकी पावर कार्ड, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे मैं बाद में दिखाता हूँ। तो चलिए मैं इसे सीधा कर देता हूँ। ये है दोस्तों कुछ फर्स्ट लुक, यहाँ पे थर्माकोल्स वगैरह लगे हुए हैं, मैं इसे निकाल देता हूँ थर्माकोल। तो इसे भी मैं साइड कर देता हूँ और इसे भी मैं साइड कर देता हूँ।
यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलता है एक नॉब जो कि इस रॉड के क्वांटिटी यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 0। जब आप ऑन पे करोगे तो सिर्फ आपका ऊपर वाला एक रॉड जलेगा। अगर आप यहाँ पे 1 पे दोस्तों 1 पे अगर वो करोगे तो ऊपर वाला एक रॉड जलेगा। अगर यहाँ पे इस नॉब को घुमा के 2 पे लेते आओगे तो यहाँ पे दोनों रॉड जलने लगेंगे, और अगर 0 पे रखते हो तो बिल्कुल ये स्विच ऑफ रहेगा। यहाँ पे वीगार्ड की ब्रांडिंग आपको देखने को मिली है, साथ ही साथ यहाँ पे इंडिकेटर लाइट देखने को मिलता है। साइड में अगर देखा जाए तो प्लास्टिक बॉडी है पूरी तरह से दोस्तों, तो यहाँ पीछे की तरफ बस मेटल है, बाकी आगे और साइड में चारों तरफ से प्लास्टिक बॉडी है, तो इसलिए शॉक प्रूफ है काफी हद तक। और पीछे से यहाँ पे आपको एक होल्डर मिल जाता है पीछे की साइड में, एक उठाने के लिए होल्डर मिल जाता है, ये भी प्लास्टिक का, डरने की कोई बात नहीं है। नीचे की तरफ आपको इसका डायग्राम वगैरह मिल जाता है, अगर जब सर्किट वगैरह जब मैकेनिक से ठीक करता है तो उसके लिए काफी आसानी होती है। यहाँ पे आपको वाट कंजप्शन वगैरह सारी चीजें लिखी हुई है। दोस्तों मैं अगला वीडियो लेके आने वाला हूँ कि ये 800 वाट का जो इलेक्ट्रिक मीटर है आप कितने देर यूज करते हो, तो 1 मंथ में कितनी बिजली कंज्यूम करता है, तो जरूर उस वीडियो को देखिएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और बने रहना होगा हमारे साथ। तो ऊपर की तरफ तो कुछ नहीं दिया हुआ है दोस्तों, नीचे की तरफ यहाँ पे, हाँ ये बहुत ही जरूरी चीज है दोस्तों, यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है। ये स्विच जो है कि आप जब भी इसे नीचे की तरफ ऐसे खड़ा करोगे तो जब तक ये स्विच दबा रहेगा तब तक ये इंडिकेशन मतलब ये इसमें पावर सप्लाई होती रहेगी। और जैसे अगर ये मान लीजिए आपने इसे खड़ा कर दिया इस तरह, और ये अगर गिर जाता है मेज वगैरह पे या कहीं से भी, तो ये स्विच जो है तुरंत यहाँ से निकल जाता है बाहर और फिर ये पावर सप्लाई को कट कर देता है। तो इससे दोस्तों अगर गिर जाता है तो उस समय शॉक वगैरह लगने का डर नहीं रहता है या आग वगैरह लगने का डर नहीं रहता है। तो वीगार्ड की तरफ से बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों। तो कैसा लगा ये रिव्यू वीडियो आपको प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और आपको कैसा लगा ये वीगार्ड की तरफ से आने वाला मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।